ये देखो भाइयों, पंगासियस का बच्चा जो है किस तरह से चारा खाता है, इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरे दोस्त का सीमेंट टैंक है जिसमें हम लोग पंगासियस का पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पोंड आइलैंड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस सीमेंट टैंक का एक माइनस पॉइंट है, जब हम पानी खाली कर देते हैं तो इस तरह से आप देखिए, इस टैंक का दीवार टूट जाती है। इसीलिए मैं आप सबको पोंड लाइनर का निर्माण करवाने का सुझाव देता हूँ। और भाइयों, इस सीमेंट टैंक में देखिए पंगासियस के बच्चे किस तरह से उछल कूद करके चारा खा रहे हैं। इसमें सिर्फ नुकसान इतना है कि पानी खाली करने के बाद यदि दीवार कमज़ोर रहती है तो वह टूट जाती है, जिससे हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। इस सीमेंटेड टैंक का ऑक्सीजन इस पाइप के द्वारा मेरे दोस्त सप्लाई करते हैं। और मैं आप सब लोगों को यह भी दिखाना चाहता हूँ कि जो सीमेंट टैंक होता है उसका आउटलेट कैसे काम करता है। दोस्तों, ये देखिए आउटलेट, ये जो आउटलेट है जिसमें पानी भरा हुआ है वो ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पानी की लेयर टैंक में बनाए रखता है। जितना बड़ी पाइप है उतना पानी सीमेंट टैंक में हमेशा रहता है, और बारिश होने के बाद टैंक से पानी इसके थ्रू ऊपर से बह जाता है पाइप के द्वारा। और जब हमें टैंक खाली करना रहता है तो इस नीचे वाले पाइप को हटा देते हैं और सारा पानी खाली हो जाता है। दोस्तों देखिए, इस टैंक की सारी मछलियां कितनी चंचल हैं, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। नीचे वो कितनी अच्छी तरह से एक साथ चल रही हैं और इधर उधर घूम रही हैं, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। सो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ सीमेंट टैंक में भी आप पंगासियत का पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको सीमेंट टैंक की दीवारों को बहुत अच्छी तरह और मजबूत तरीके से बनाना होगा। और साइड में देखिए, इनके मिट्टी नहीं है, आपको कम से कम 3 फीट मिट्टी लगा देना चाहिए ताकि जब हम पानी खाली करें तो दीवार टूटे ना और लोड पड़ने पर भी ना चटके। और इस टैंक में देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल गोल घेरे में पंगासियस के बच्चे टहल रहे हैं और ऊपर आकर दाना खा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के लिए जो है 1 HP का मोटर और रिंग ब्लोअर लगा हुआ है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन निकलती है और इन पाइप के द्वारा जाती है तालाब में। ये देखिए टूटा हुआ टैंक, और जो हम ऊपर शेडिंग करते हैं उसके लिए ये देखिए शेड का लोहा, जो कि दीवार के टूटने से नीचे की तरफ झुक गया है। और जो है इसीलिए पॉन्ड लाइनर का निर्माण करें जो बड़ा रहता है, जिसमें इस शेड का ज़रूरत नहीं पड़ता है।